तो आज हम एक ऐसे पावरफुल चूरन के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी सालों पुरानी डायबिटीज बिल्कुल समाप्त हो जाएगी आयुर्वेदा के हिसाब से लिटरेचर की जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं उनके हिसाब से जो डायबिटीज होती है वो वात पित्त कफ बढ़ने की वजह से होती है होम्योपैथी के हिसाब से देखें तो आपका सोरा सिफिलिस या साइकोसिस गड़बड़ हो गया तो उसके हिसाब से आपको डायबिटीज हो जाती है मॉडर्न मॉडर्नपैी की बात करें तो उसके अंदर वो मानते हैं कि पेंक्रियास आपका एक हिस्सा होता है लिवर के अंदर वो अगर इंसुलिन कम बनाना कर जाए तब आपको डायबिटीज़ होती है पर ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग मॉडर्न पैथी की तरफ जाते हैं वो उम्र भर ही दवाएं खाते रहते हैं कभी भी डायबिटीज उनकी ठीक नहीं होती है ऊपर से उनको डायबिटीज़ के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती उम्र के साथ आ जाती हैं जैसे कि किडनी डैमेज होना लिवर डैमेज होना सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जानी स्टेलिटी बच्चा पैदा करने की समस्या चली जाना तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो जो मैं आपको चूर्ण बताने जा रहा हूँ वो आयुर्वेदा के हिसाब से आपका वात पित्त कफ को बैलेंस कर देगा जिससे आपका शरीर है जो पेनक्रियाज है तो वो इंसुलिन ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी एच बी तक चला गया तब भी वो आपका वापस पाँच साढ़े पांच तक आ जाएगा लगभग तीन महीने में ही डायबिटीज के लक्षण कैसे होते हैं आपको सबसे पहले जाना यह जरूरी है तो डायबिटीज का पहला लक्षण मिलता है कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है बहुत बार पेशाब जाएंगे आप दिन में बार बार जाएंगे और इतना तो आप पानी नहीं पिएंगे जितना आपको बाथरूम जाना पड़ेगा दूसरे लक्षण आपको मिल सकते हैं कि एकदम से बाल जड़ने लग गए हैं तीसरा लक्षण आपको मिल सकता है कि आपका वेट बिल्कुल कम हो गया है आपका वेट सत्तर था एकदम से आपका एक महीने के अंदर पांच किलो वेट चला गया ये लक्षण मिले तब भी आप समझ सकते हैं एक ऐसा लक्षण मिलता है जो काफ़ी लोग नोटिस नहीं करते और उनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर नुकसान पहुँचा देती है वो है कि अगर आपका हाइपर टेंशन चल रहा है आपको बी की बीमारी है हाई की आपके लीवर के अंदर कोई बीमारी है या आपकी हड्डियों के अंदर कोई बीमारी है गठिया है तो वो बीमारी की अगर आप कोई भी दवा लेंगे तो वो दवा खाएं ना खाएं आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है क्योंकि डायबिटीज दवाओं के असर को कम कर देती है तो अगर शुगर बढ़ी रहती है तो आपके अंदर कोई भी दवा काम नहीं करेगी तो ये कुछ लक्षण जो आपको जानने चाहिए जरूर तो अब चलते हैं कि आपको ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है तो सबसे पहले जो इसके लिए जो चूर्ण है वो तीन चीजों को मिलाकर मिलता है वो है हरड़ बहेड़ा आंवला अगर आप इनको चूर्ण को नहीं बुला सकते तो इसका पूरी मैं तैयार करने की प्रक्रिया नहीं बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो तो उसके लिए आप काम करें कि त्रिफला चूर्ण ले आएँ एक बार के लिए बाकी डायबिटीज़ के हिसाब से हम इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं तीनों के मिश्रण को एक बार आप त्रिफला चूर्ण ले लें किसी भी कंपनी का हो ए बी सी डी चाहे कोई भी हो तो आप उसका क्या करें हर रोज रात को सोते समय आप एक गिलास पानी के अंदर कांच के गिलास के अंदर उसका एक चम्मच त्रिफला का डाल दें उसको रात भर डला रहने दें उसके बाद उसको सुबह क्या करें घर पे आपके मिक्सी या ग्राइंडर होगा अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं है तो हाथ से जो रगड़ते हैं हम बिलौना निकालते हैं तो उससे आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें किसी बड़े बर्तन में डालकर जो उसके अंदर चूरण ना पानी के अंदर पूरा असर छोड़ जाए तो उसको दो से पाँच मिनट तक करेंगे तो उसका चूरण का पूरा असर आ जाएगा आयुर्वेदा लिटरेचर की बात करें तो जो त्रिफला चूर्ण है वो आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करता है तो वात पित्त कफ जब बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर को बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जो इम्यून टाइप है जैसे थायराइड है अर्थराइटिस है और वैसे ही डायबिटीज है तो जब आप इसको लेंगे तो आपका वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएगा दूसरा मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट करें दवाओं को जैसे कि हरड है वो क्या करती है वो आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करती है तो एक आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि आप कुछ ने मीठा खा लिया तो मीठा एकदम से बढ़ गया आपका शरीर उस मीठे को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उस वाली डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है क्योंकि हरड़ जब आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि, कि किसी भी चीज़ को फालतू में आपकी बॉडी में बढ़ने नहीं देगा तो आपकी शुगर कंट्रोल होने लग जाएगी बहेड़ा के अंदर जो गुण है वो आपकी ओवरऑल बॉडी को फिट करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये सारा लिटरेचर यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर ही पब्लिश है आप अकेला अकेला करके इस मेडिसिन को पढ़ सकते हैं हर बेड़ा को तो भेड़ा आपकी ओवरऑल बॉडी को इम्यून बूस्ट करता है जैसे कि डायबिटीज़ का आपकी हड्डियों के ऊपर असर हुआ था उसको दूर करता है डायबिटीज़ के आपके बालों के ऊपर असर हुआ था उसको दूर करता है डायबिटीज़ का जो साइड इफेक्ट आंखों पे हुआ था आपकी जो स्टेलिटी या बांझपन आपको हो गया था उसके ऊपर असर हुआ था उसको बेहड़ा बार करता है तो आंवला मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर विटामिन सी होता है एक एंटीऑक्सीडेंट है ब्लड टॉक्सिफायर है इसके अंदर आयरन और खून को बढ़ाने वाले और खून की कमी को दूर करने वाले तत्व हैं तो डायबिटीज़ की वजह से आपके अंदर जो खून की कमी आ गई थी कमजोरी आ गई थी इन्फेक्शन आ गई थी तो आंवला उसको दूर करता है और आपको पूरी बॉडी को अनर्जेटिक और एक्टिव बनाता है तो ये तो है मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो आयुर्वेदा ने ये बहुत पहले से बता दिया था कि आपकी बॉडी को बैलेंस कर देगा त्रिफला चूर्ण वात पित्त कफ को बैलेंस कर देगा जिससे आपकी डायबिटीज जैसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी तो होप है दोनों का जो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये सभी पैथी में त्रिफला चूर्ण बहुत ज़्यादा गुणकारी है तो त्रिफला लेने से आप लगभग इसको जो हमने सोल्यूशन बनाया है एक गिलास सोल्यूशन जो बना लिया है इसके अंदर से आप फिल्टर कर लें इसको पूरा पाउडर वाला पानी नहीं पी जाना है इसको किसी सी पतली छन्नी से छान लें तो इसको छान लिया है तो इसका जो आधा गिलास है हर रोज़ सुबह आप उठते वक्त खाली पेट पिए खाने के बाद पिए इसको रेगुलरली आप 30 से 90 दिन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप अपना एच वी ए वन सी निकलवाएँ आपका एच वी ए वन सी आपको नॉर्मल की तरफ जाता मिलेगा हाँ उन लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा जिन लोगों को पता नहीं है कि आलू एक खा लिया उन्होंने तो वो इक्वल है पाँच चम्मच चीनी खाने से शकरगंध उन्होंने खा लिया वो भी इक्वल है चार से पाँच चम्मच चीनी खाने में तो अगर वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण चाहे वो पाँच किलो खा लें चाहे दस किलो चाहे वो दस किलो एक दिन में खा लें कोई उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है तो खाने पीने के अंदर आपको शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी है जैसे कि जो सॉफ्ट फ्रूट है जैसे केला है आम है चीकू है पपीता ऐसे फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है तो आप ये ना खाएं अगर आपका एच बी वन सी साढ़े छः के क्रॉस है अगर छः तक आ गया तब आ इसको थोड़ा बहुत फलों को आप खा सकते हैं इसके अंदर फलों के ऊपर मेरी डिटेल पे वीडियो है सब्जी के ऊपर डिटेल पर वीडियो है कैसे कौन सी कौन सी सब्जियां आपने खानी है कैसे नहीं खानी जैसे मैंने बताया कि आलू और शकरकंद ये तो इसके अंदर बिल्कुल ही बंद होने चाहिए तो त्रिफला बहुत ज़्यादा गुणकारी है इसके बिना भी अगर त्रिफला की बात करें तो आप इसको सुबह शाम की बजाय दोपहर को भी ले सकते हैं बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनका एच बी ए वन सी आठ तक चलाया जाता है तो उन लोगों ने क्या करना है त्रिफला का दो चम्मच पाउडर है वो दो गिलास पानी के अंदर ऐड कर लेना है तो उसको वैसे ही तरीके से रात को भिगोकर कर रख दें सुबह अच्छी तरह मिक्सी के अंदर उसको ग्राइंड कर लें उसके बाद उसको फिल्टर कर लें और हर रोज़ सुबह खाली पेट एक गिलास उसका छना हुआ जो पानी है जिसके अंदर त्रिफला का असर है पूरा वो पीना शुरू कर दें और रात को सोते समय एक गिलास पीना शुरू कर दें तो जब ये पीना शुरू करेंगे आपको पहले दिन से ही लगेगा कि जो आपकी डायबिटीज की वजह से पेट का भारीपन लग रहा था कमजोरी लग रही थी आपको नींद नहीं आ रही थी बीपी बिना वजह बढ़ते ही जा रहा था वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा तो दोस्तों इसका कुछ लोगों के साथ देखा गया है कि रिएक्शन भी हो जाता है त्रिफला का वो आंवला की वजह से होता है काफ़ी सारे लोगों को जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों को अस्थमा या एलर्जी की कंडीशन बढ़ जाती है तो अगर आपको अस्थमा या एलर्जी है या ज्वाइंट पेन है आपका तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको कहीं ये रिएक्ट ना कर जाए नहीं तो अगर रिएक्ट नहीं किया है तो आपका ज्वाइंट पेन भी ठीक कर देगा ये अस्थमा भी ठीक कर देगा एलर्जी भी ठीक कर देगा बहुत सारे लोगों को ये रिएक्ट कर सकता है तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है होप है आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी त्रिफला के फ़ायदों के बारे में समझ आ गया होगा पूरा तो इसके बिना भी त्रिफला के ऊपर मेरी डिटेल पर दूसरे चैनल पर वीडियो है आप जरूर देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आप देख सकते हैं तो इस नुस्खे को जरूर शेयर कीजिएगा सभी के साथ इससे डायबिटीज़ चाहे आपकी ढाई सौ है शुगर सुबह की तीन सौ रह रही है साढ़े तीन सौ रह रही है आपकी तीन रह रही है एक रह रही है डेढ़ रह रही है कितनी भी शुगर आपका लेवल रह ले रहा है वो एक दो दिन के अंदर ही आपको डायबिटीज के अंदर जब आप रीडिंग नोट करेंगे डिफरेंस उसका देखने को मिल जाएगा पहले दिन से ही सुबह पीते ही तो रेगुलरली इस्तेमाल करें तीस से नब्बे तक उसके बाद मुझे रिजल्ट नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा काफ़ी सारे लोगों को पहले दिन से ही फ़ायदा मिल जाएगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी उनको ये वीडियो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत बहुत शुक्रिया